अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने वाले चिकन पुलाव। तो चलिए बनाते हैं चिकन पुलाव। सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करके लेंगे। उसके लिए हमें 3 चम्मच दही लेनी है और यहाँ पर अदरक लहसुन और हरे धनिए की पेस्ट मैंने ली है 3 चम्मच और 2-2 चम्मच गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर और बिरयानी मसाला लिया है और 5-6 हरी मिर्च ली है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। अब हम इसमें 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें तेज़पत्ता डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हमें आधा घंटा छोड़ना है मैरिनेट होने के लिए। अब हम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच तेल लिए हैं, उसमें 5-6 कटी हुई प्याज ली है और इसे अच्छे से पकने दिया है। अब हम इसमें बचा हुआ अदरक लहसुन और हरे धनिया का जो पेस्ट थी वो डाली है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने जो मैरिनेशन तैयार की थी चिकन की वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। चिकन हमारा कच्चा था इसलिए हम इसे 10 मिनट तक ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो जाने के बाद उसमें हम टमाटोज ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तेल छूटता हुआ दिखने लगे तो उसमें हम चावल डालेंगे। 1 केजी चावल है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसाले में अच्छे से चावल मिला लें। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जितना हमें चावल लिया है उससे 1.5 गुना ज़्यादा पानी डालेंगे और एक बॉईल आने तक वेट करेंगे। बॉईल आने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हम नमक डालेंगे। नमक डाल के एक बार टेस्ट करके देखें नमक बराबर है या नहीं। यहाँ पर मैं 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। देखिए बॉईल आ गया है। अब इसे हम धीमी आंच पर पकाएंगे। थोड़ा सा हिलाकर देखें, चावल थोड़ा ऊपर नीचे करें और इसे वापस से ढक दें और आधा घंटा छोड़ दें स्टीम होने के लिए। ये हमारे पुलाव रेडी है। इसे रायते के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।